आज तो बड़े खुश लग रहे हो। लगता है मौजलाल भैया के किसी चुटकुले ने आपकी चिंता ही भगा दी है। मौजलाल के चुटकुले ने नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। अब फसल का बीमा कराएंगे और हर चिंता से मुक्ति पाएंगे। मुक्ति का तो पता नहीं, पर शायद दफ्तरों के चक्कर जरूर लगाएंगे। इस बीमा में न जाने किस आपदा को शामिल किया गया है। भाभी, इस योजना में फसल के लगभग हर पड़ाव में होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। जैसे खराब मौसम के कारण बुआई या अंकुरण का असफल हो जाना, या फिर खड़ी फसल के मध्य में फसल को हानि, और स्थानिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, जल भराव, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग, बादल फटना या भूस्खलन। बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली तन्ने भाई, ये सब भी शामिल है इस बीमे में। और यही नहीं, अगर आप चाहो तो जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी अलग से इस बीमे में शामिल करवा सकते हो। और कटाई के उपरांत क्या विमला, ऐसे भी कहीं होता है? होता है, ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होता है। फसलों की कटाई के 14 दिन बाद तक कटी एवं सूखने रखी फसलों को बेमौसम बारिश या चक्रवात से कोई नुकसान भी होता है ना, तो वो भी इसमें शामिल है। अब बताओ, बीमा कराओगे या परेशानी रहोगे? बीमा कराना है, मैं तो कब से समझा रही हूँ इनको, पर ये मेरी सुने तो ना। जी हाँ, इस बीमा में फसल को होने वाले ज्यादातर नुकसानों को शामिल किया गया है। आई प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़े ताकि फसल की सुरक्षा रहे हमेशा आपके साथ।